टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों के दिलों में राज करता है। इस शो को लगभग 13 साल हो गए हैं। अब सोनी जल्द ही बच्चों के लिए इसका एनिमेटेड वर्जन लाने वाला है, जिसका नाम होगा तारक मेहता का छोटा चश्मा। इस कार्टून में जेठालाल, टप्पू, बापूजी, दयाबेन के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी किरदार नजर आने वाले हैं। मीडिया से खास बातचीत पर डायरेक्टर आसित मोदी ने बताया कि मेरे शो को 13 साल हो गए हैं। साल 2018 से ही बच्चे बड़े ही चाव से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। अब इस नए शो के द्वारा बड़े लोग भी अपने बचपन को याद करेंगे। कई बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऐसा पार्ट होता है जहां पर बच्चे सोचते हैं कि यह बड़ों के लिए है। ऐसे में मेरा सपना था कि बच्चों के लिए एक ऐसा शो लेकर आऊं जो एनिमेटेड हो, जो अब पूरा हो रहा है। तारक मेहता का छोटा चश्मा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यह दोनों अलग ही वर्जन है, जिसमें आपको कॉमेडी के साथ साथ फैमिली शो भी मिलेगा। ओरिजिनल शो में नहीं, लेकिन तारक मेहता का छोटा चश्मा में आपको दयाबेन जरूर देखने को मिलेगी। इस पर आसिफ मोदी का कहना है कि हाँ, अपने सीरियल में दयाबेन के आने में भी काफी वक्त है, लेकिन 19 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से तारक मेहता का छोटा चश्मा में जरूर दयाबेन गरबा करती हुई नजर आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के समय में हमारी टीम काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कोविड गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जो वर्कर दूर से आ रहे हैं उनके लिए सेट पर ही रहने का इंतजाम किया गया है। हर कोई प्यार से शूट कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही प्यार से आगे भी शूट करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि तारक मेहता का छोटा चश्मा सोनी के ही चैनल सोनी ये पे आने वाला है। तो दोस्तों, आप तारक मेहता का छोटा चश्मा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही चटपटी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।